हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैक्स किचन। आज हम बनाएंगे झटपट वाला स्नैक्स, चीज़ी पोटैटो फिंगो। चलिए शुरू करते हैं। मैंने 6 छोटे आलू लिए हैं, उसको अच्छे से बॉईल करके उसका छिलटा निकाल लिया है, और इस तरह से घिसनी से अच्छे से ग्रेट कर लेना है। सारे आलू को इस तरीके से घिस लेना है एक बाउल में। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, और हमें इसे मैश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा कटोरी मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और कुछ चीज़ें मैंने ली हैं यहाँ पर, जैसे 2 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, नमक स्वाद अनुसार, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ ऑरिगेनो लिया है। अब सारी इन चीज़ों को भी इसमें ऐड करेंगे हम। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 2 चीज़ क्यूब को मैंने घिस लिया है अच्छे से, ऐसे भी ग्रेट कर लिया है, अब वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते करते इसका एक डो तैयार कर लेंगे। जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं उसी तरीके से इसे अच्छे से गूंद लेना है अच्छे से मिक्स करके। अगर आपको ऐसा लगे बीच में कि थोड़ा स्टिकी है और डो जो है थोड़ा पतला हो गया है, तो थोड़ा सा मैदा आप उसमें और ऐड कर लीजिए और एक अच्छा सा डो रेडी कर दीजिए। देखिए बिल्कुल रेडी है, ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए हमारा डो। अब हम क्या करेंगे, इसे अब साइड में रख देंगे थोड़े टाइम के लिए, 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसे फिर तैयार करेंगे। हाथ में सूखा आटा ले लें और एक बड़ा सा पेड़ा ले लें हाथों में, और इसे अच्छे से गोल करके एक बड़ा पेड़ा रेडी करें इस तरीके से। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें सूखा आटा मिक्स करेंगे, इस तरीके से लगा लेंगे ऊपर और अच्छे से इसे बेल लेंगे एक रोटी की तरह, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा थिक, बिल्कुल मीडियम हम बनाएंगे लेयर इसका। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ से छुरी से कट्स कर लेंगे और एक अच्छा सा फिनिशिंग देंगे इस तरीके से। इसे एक्स्ट्रा कट जो है हम काट लेंगे और इसे निकाल लेंगे, नेक्स्ट पेड़े में इसे ऐड करके हम फिर से इसे बनाएंगे। अब हम एक छुरी की मदद से या एक कटर से इसे इस तरीके से लंबा कट कर लेंगे। इस तरीके से नाइफ से इसे काट लें, अगर नाइफ पे चिटक रहा हो आटा इस तरीके से सूखा आटा लगाएं और फिर इसे काटें, इक्वली सारे पीसेस करें इस तरीके से आराम आराम से। तो लंबे लंबे पीस कट करना है हमें। बाकी के आटे से भी हमें इसी तरीके से रोटी बनाकर ऐसे ऐसे लंबे लंबे पीस कट कर लेंगे सेम प्रोसेस से। देखिए इस तरीके से ये रेडी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई में जो है वो तेल अच्छे से गरम कर लेंगे और इसे डीप फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर रखें तेल गरम होने के बाद और इसे फ्राई करें। फ्राई जो बिल्कुल फटाफट हो जाते हैं। देखिए अब जब ये फ्राई हो जाएंगे ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे, तब तक हम इसे हिलाएंगे नहीं वरना ये जो टूट जाएंगे। देखिए अभी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। अब इसे बारी बारी टर्न कर करके हमें हल्का सा इसे कलर देंगे ब्राउनिश कलर, और इसे फ्राई करेंगे धीमी आंच पर। देखिए अभी फर्स्ट बैच जो बिल्कुल रेडी है और अच्छा कलर आ गया है इसका, इसे निकाल लेंगे हम। अब सेकंड बैच भी हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे धीमी आंच पर रख के। इसे पहले 2 से 3 मिनट जो है वो अच्छे से फ्राई करने देंगे, उसके बाद इसे टर्न करते हुए इसे पकाएंगे और एक अच्छा सा कलर आएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए ये भी रेडी हो चुका है सेकंड बैच भी, और इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है।
इसे भी हम अच्छे से निकाल कर प्लेट में निकाल लेंगे, तेल निकाल कर ऐसे एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और से टमाटो केचप के साथ गरम गरम सर्व करेंगे। चलिए इसे देखते हैं। मैंने यहाँ एक जो है वो ट्विस्ट कर कर बनाया था, चलिए यही तोड़ कर देखते हैं। देखिए कितना मुलायम और सॉफ्ट है और बहुत ही डिलीशियस और यम्मी बना था। आप बिल्कुल इसे ट्राई करना। आपको मेरा वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे वीडियोस के देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।